अभी 8 बजे का समय है, जितना जल्दी हो सके अंदर अभी पहुंच चुका है, अंदर सभी प्रवेश कर रहा है, सभी नमाजी का जल्दी जितना जल्दी हो सके अपना स्नान जाकर के अंदर ग्रहण करें, अंदर पूरा खाली है अभी। खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। ईद का त्यौहार गुरुवार को हंसी खुशी के साथ मनाया गया। भीड़ अधिक होने के कारण बड़ी ईदगाह बीना झावर में 2 बार ईद की नमाज अदा हुई। बड़ी ईदगाह बीना झावर में सुबह 8 बजे और 9:30 बजे ईद की नमाज अदा की गई। सुबह 8 बजे मौलाना शकील अहमद कासमी और सुबह 9:30 बजे मुफ्ती सुबान इलाही ने नमाज अदा कराई। बड़ी ईदगाह के सामने लोगों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए जिला प्रशासन के साथ राजनीतिक पार्टी और सामाजिक संगठनों ने कैंप लगाया। ईदगाह के बाहर पुलिस बल तैनात रहा, इसके अलावा सिविल डिफेंस की टीम भी मौजूद रही। बड़ी ईदगाह में डीएम राकेश कुमार सिंह, सीपी अखिलेश कुमार, शहर काजी मामूर अहमद जमाई आदि लोग मौजूद रहे। वहीं ईद उल फित्र की नमाज को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस आयुक्त अखिल कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस व्यवस्थापन के बीच सकुशल संपन्न हुई ईद की नमाज एवं सौहार्दपूर्ण रूप से। देखिए, मैं सबसे पहले आज ईद के अवसर पर अपने जनपद वासियों को मैं ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनको ईद की दिली मुबारकबाद देता हूं। और यहां पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो हमारे पहले फेज की ईद की नमाज थी वो संपन्न हुई। 9:30 बजे से सेकेंड फेज की नमाज संपन्न होने जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी शांति के साथ जो है संपन्न हो जाएगी। पूरे जनपद में ईद बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सभी लोगों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को विशेष रूप से ईद की मुबारकबाद। आज प्रथम पाली की नमाज सकुशल अदा हुई है और हमारे जो मेन ईदगाह है वहाँ की इंतजामिया कमेटी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और प्रथम बार 2 पालियों में नमाज यहाँ पढ़ी जा रही है। प्रथम पाली 8 बजे, दूसरी पाली 9:30 बजे। अभी 8 बजे लाखों की संख्या में लोग आकर अभी नमाज पढ़े हैं और दूसरी पाली में भी इतनी संख्या दिख रही है। बड़े अच्छे से और बड़े शांत वातावरण में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं पुनः सभी लोगों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। दी ईद की बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।